अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिश चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ज़ीरा राइस। ज़ीरा राइस को हम ग्रेवी या फिर दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। और फिर चलिए हम देखते हैं किस तरह हम ज़ीरा राइस बनाएंगे। ज़ीरा राइस बनाने के लिए हमने लिया है 2 ग्लास राइस, बासमती राइस। इसको हमने पानी में भिगो लिया है 15 मिनट्स पहले। वाटर लेंगे हम, 2 ग्लास हमने राइस लिया है तो 3.5 ग्लास हम वाटर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम सॉल्ट लेंगे, 2 टेबल स्पून हम घी लेंगे। घी की जगह आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा धनिया के पत्ते लेंगे बारीक काट कर। इलायची लिया हमने 1, इसको बीच से हम इस तरह तोड़ लेंगे। दालचीनी 2, 1 चक्रीफूल, 1 चम्मच ज़ीरा और 3 तेज़पत्ते। ज़ीरा के अलावा बाकी गरम मसाले ऑप्शनल हैं। गैस पे हमारा बर्तन रख देंगे। बर्तन हमारा गर्म हो गया है, उसमें हमारा घी हम डाल देंगे। घी को हम गर्म कर लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। उसके अंदर हमारे गरम मसाले, दालचीनी, इलायची, चक्रीफूल, तेज़पत्ता डाल देंगे और इसको इस तरह चम्मच से हिला देंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और फिर इसके अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरे को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर हमारा राइस डाल देंगे। राइस में जो पानी है उसको अच्छी तरह हम निकाल लेंगे और राइस को हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम घुमाएंगे। 5 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। 5 मिनट तक हमने इसको भून लिया। अब बस इसके अंदर हम वाटर डाल देंगे। आप ये ध्यान रखें कि हमने 2 ग्लास राइस लिया है तो 3.5 ग्लास हम पानी डाल रहे हैं। जिससे हमने नाप कर राइस लिया है उसी ग्लास से हमने 3.5 ग्लास पानी डाल रहे हैं। तो बस 3.5 ग्लास अब देख सकते हैं हमने वाटर डाला। अब हम सॉल्ट डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम सॉल्ट डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद अनुसार सॉल्ट डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम ढक्कन रख देंगे और इसको हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। उबाल आ चुका है, इसको हिला देंगे और फिर 80-70% हम इसको ढक देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे राइस का पानी पूरा सूख चुका है। तो बस इसी तरह हमें पानी इसका पूरा ड्राई करना है। आप चाहे तो तेज़पत्ता भी निकाल सकते हैं। अब बस हम इसे 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हम हमारे राइस को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये इतनी अच्छी तरह दम हो चुका है। अगर आपका राइस अभी भी कच्चा है तो आप और 5 मिनट के लिए इसको दम कर सकते हैं। तो गैस को हमारे बंद कर देंगे और एक बाउल ले लेती हूँ मैं सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह ये खुला खुला राइस बनकर तैयार है। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप राइस बनकर तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एक एक दाना देख सकते हैं आप, राइस का अलग अलग है। आप इसी तरीके से इसी वे से बनाएं। और हमने जो धनिया के पत्ते लिए हैं वो उसके ऊपर डाल देंगे, इसे गार्निश कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।